हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। सो गाइज, वेलकम टू अनदर डे इन माई लाइफ। आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज दिस इज़ द लास्ट डे इन कोपेनहेगन एंड वी आर गोइंग बैक टू पोर्चुगल टुडे। और पोर्चुगल में क्योंकि आई एम लिविंग देयर, सो आई एम मोर कम्फर्टेबल देयर। यहाँ पर भी हमने इन्जॉय किया, बट सो आई थॉट कि जिस रूम के अंदर मैंने 4 से 5 दिन गुजारे, मैं आपको उसका टूर देती हूँ। मैंने अपने डोर के बाहर ये लिख दिया हुआ था, टैग लगा दिया हुआ था, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी बिकॉज आई वॉज वर्किंग देयर। साथ ही ये कॉरिडोर्स हैं, मेरा रूम नंबर है 827। सो लेट्स कम इनसाइड। इट्स अ वेरी स्मॉल रूम, वेरी एक्सपेंसिव, बट इट्स येट वेरी कम्फर्टेबल। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अनटिल और अनलेस कि इसका साइज काफ़ी छोटा था, क्योंकि होटल का नाम है केबिन होटल, सो केबिन्स ही बने हुए थे छोटे छोटे से। और जो डेनमार्क के अंदर केबिन होटल जो है, ये काफ़ी एक लीडिंग ब्रांच है और इसकी रिव्यूज़ भी अच्छे थे, सो आई सेलेक्टेड इट। और डिफरेंट डिफरेंट जगहों के अंदर ये आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने कुछ ग्रॉसरी की थी जिसके अंदर मैंने डेट्स बाय की थी, साथ ये ओटमील मिल्क है। सो मैंने ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि रूम के अंदर भी मुझे काफ़ी भूख लग जाती है। साथ कैटल है ग्रीन टी के लिए, टीवी था, टीवी पे हमने मूवीज़ देख ली रात में। और साथ ही दिस इज़ द स्मॉल बेड, बट इट्स ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल। और विंडो के बाहर का व्यू बहुत अच्छा था। ये हैंगिंग फैसिलिटी इन्होंने दी हुई थी जहाँ पे हम स्टोर कर सकते थे अपना लगेज, और साथ एक मिनी सा वॉशरूम था। वॉशरूम के अलावा यू कैन सी द व्यू फ्रॉम द विंडो इज़ अमेजिंग। और मज़े की बात ये थी कि हमारे होटल के सामने ही हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जो कॉन्फ्रेंस का होटल था वो बिल्कुल हमारे होटल के सामने था, सो कह लें कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे था, सो इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सामने ऑफिसेज हैं और बारिश ऑल टाइम यहाँ पर हो रही है। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग अबाउट कोपेनहेगन। वैसे तो इट्स अ वेरी रिच कंट्री, यहाँ पे सैलरी पैकेजेस आर वेरी हाई, लेकिन वेदर इज़ वेरी बैड। तो वेदर की वजह से आई डोंट लाइक दिस कंट्री मच। और आप देख सकते हैं बाहर हल्की हल्की सी स्नोफॉल भी हुई हुई है, साथ ही छोटा सा एक बेड है और एक साथ ही इन्होंने साइड टेबल दिया हुआ है, लगेज स्टोरेज के लिए भी जगह हैं बनी हुई। सो आज क्योंकि हम लोग वापस जा रहे थे, तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पैक कर दी थी वापस बैग के अंदर। सो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइक स्टोरेज के अंदर कुछ मिनिमम कोट्स ही सिर्फ और सिर्फ हैंग हुए हुए हैं। ये छोटा सा वॉशरूम है और ये साथ उन्होंने हमें दे दिए थे शैम्पू और क्लींजर और साथ ही शॉवर जेल फॉर बाथ। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि मुझे कैरी नहीं करना पड़ा कुछ। So after having breakfast and after doing the packing, now I'm back to the conference hall. और अभी जो है वो एक presentation चल रही है। It's very interesting topic and the person who is presenting, she is from our university. So I don't want to miss it. So conference attend करने के बाद now we are heading towards the airport because we are going to Lisbon, Portugal. और आज हम लोगों का आखिरी दिन है कोपेनहेगन में, and you can see the view is amazing. सो वी आर ऑन एयरपोर्ट। हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। आई परचेज दिस वाटर बॉटल जो कि मैं अपने साथ रखूँगी प्लेन में। आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनी थिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, दैट्स इट। एंड ट्रस्ट मी, आई एम सुपर टायर्ड एट दिस मोमेंट कि आई डोंट नो मेरा 4 घंटे का जो प्लेन का सफ़र है ये कैसे गुजरेगा, बट लेट्स सी। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लैंडेड हियर सेफली। हम लोग का लगेज भी हमारे साथ था, कुछ भी गुम नहीं हुआ, और हम लोगों ने SOPs कोविड के वो भी सारे फॉलो किए और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर होम। नाउ गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अनटिल देन प्लीज़ टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।